गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एलजेब्रिक के अंदर प्लस एंड माइनस सम्स देख लिए थे एंड अगले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी देख लिया था। मैं आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लाई में कैसे एलजेब्रिक के अंदर किया जाता है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे एक्स की 2 पावर है एंड यहाँ पे x की 3 पावर है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो ये दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे होगा x 2 + 3, यानी पावर का प्लस हो जाएगा एंड आंसर आएगा x की 5 पावर। क्योंकि आप खुद देख लो यहाँ पे कि x 2 टाइम है, x 3 टाइम है, यानी कि x 5 टाइम हो गया बेटा, समझ गए। तो हम लोग उसके अंदर क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को पहला वीडियो लेक्चर में समझा दिया था। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप लोगों को पता है एक्स स्क्वेयर है वो ये सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। ऐसे ही वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, राइट। मैं आप लोगों को इजी मेथड समझाई थी पहले, हम लोग वही मेथड से यहाँ पे करेंगे। एक्स स्क्वेयर ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख लेंगे सारा का सारा, माइनस वाई स्क्वेयर ये वाला ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, राइट। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एक्स स्क्वेयर है एंड यहाँ पे एक्स है, यानी कि एक्स 3 टाइम हुआ, यानी कि एक्स की 3 पावर हो जाएगी। ऐसे ही ये दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यानी कि प्लस 2x² y, समझ गए। ऐसे ही आगे यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई 2y। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पे माइनस की आएगी। 2y कितने टाइम आएगा, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, यानी y 3 टाइम आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल है वो सेम है तो वो दोनों का प्लस एंड माइनस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे x की 3 पावर है, यहाँ पे एक भी x की 3 पावर नहीं है, तो ऐसे ही इनको लिख लेंगे। ये भी सेम वेरिएबल नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया, तो हमें आगे स्टेप करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का है। ओके, तो हम लोग इसी मेथड से करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है ये दोनों का प्लस तो नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस क्यू स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर 2p² माइनस 3q² ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6, पी स्क्वेयर यहाँ पे भी पी स्क्वेयर है, यानी p है वो 4 टाइम हो गया बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6p 4 टाइम। ओके, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की साइन आएगी। 3 × 3 = 9 होता है, यहाँ पे पी स्क्वेयर, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर है, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम लोग p² q² ओके। अब प्लस q² 2p² ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आएगा 2p² q². ओके, ऐसे ही इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 है, यानी 3 × 1 = 3 होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस की साइन आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, 3q 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्यू 2 टाइम है, यहाँ पे क्यू है वो 2 टाइम है, यानी 4 टाइम हो गया। ओके बेटा, अब आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो ये दोनों का हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वेयर है, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर है, ये दोनों सेम है। नाइन माइनस में 2 प्लस में, यानी -7 आएगा, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस
थ्री क्यू फोर टेन। ओके बेटा आप लोग समझ रहे होंगे। ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वो उसी टाइप का है लेकिन आप लोग देखो थोड़ा चेंज है डिजिट के अंदर, वैसे वही मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x की x है वो 5 टाइम हो गए, यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम, राइट, यानी x 5 टाइम। इसी आगे प्लस x 4 टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखना कि x 4 टाइम मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x 4 टाइम डिवाइड में x, राइट। तो यहाँ पे यही है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे x की 4 टाइम, x 4 टाइम डिवाइड में x। ओके ऐसे ही आगे प्लस की साइन, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तरह ही है वो भी, राइट। ये x है, इसके अकाउंट में कुछ नहीं है यानी 1 होगा। अब ये क्या बता रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखना 1 अपॉन x की 4 पावर मल्टीप्लाई x, तो इनका मीनिंग है x के अकाउंट में 1 होगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते x डिवाइड बाय x की 4 पावर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे इनको x डिवाइड बाय x की 4 पावर। ओके अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन x की 5 पावर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x 4 टाइम है, ओके यानी 5 टाइम हो गए। ओके बेटा समझ रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे ये दोनों का तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रख देंगे, लेकिन आप लोगों को बताओ यहाँ पे x की 4 पावर है, यहाँ पे x है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि x की 4 पावर यहाँ पे है, राइट, तो डिवाइड में x है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को आगे भी समझाया था, कोई भी पावर डिवाइड में दी गई है तो उसका माइनस होता है, यानी कि हम लोग ऐसे इनको लिख सकते हैं 4-1। कोई भी पावर मल्टीप्लाई में दी गई है जैसे कि, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पावर का प्लस करेंगे, यानी कि x की 5 पावर यहाँ पे हो जाती है एंड यहाँ पे हो जाती है x की 3 पावर। अब ये क्यों होती है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊं। जैसे कि हम लोग ऐसे लिखे x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम है लिखा हुआ, तो हम लोग इसका डिवाइड करें, डिवाइड सिर्फ 1 टाइम है x, तो ये दोनों का हम लोग कट करेंगे तो कितना बचा, तो हमारे सामने बचेगा x की 3 पावर, समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कट कर देंगे, राइट, तो यहाँ पे बचेगा, हम लोग ऐसे करते हैं 4-1 प्लस 1 अपॉन x की पावर में लिखेंगे 4-1 प्लस 1 अपॉन x की 5 पावर, ओके इज इक्वल टू x की 5 पावर प्लस x की 3 पावर हो जाएगी, क्योंकि 4-1 यानी 3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे 1 अपॉन x की 3 पावर हो जाएगी प्लस 1 अपॉन x की 5 पावर। ओके बेटा समझ गए आप लोग, ये यहाँ पे आप लोग प्रोसेस मत करना, तो स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, आप लोग प्रोसेस करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ये तो मैं आप लोगों को जस्ट समझा रही थी। ओके बेटा, तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें थोड़ा सोल्व में करने के लिए इसको ध्यान में लेंगे। ओके तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरफ से ये दोनों का मल्टीप्लाई कर या इस दोनों का मल्टीप्लाई कर, दोनों में सेम ही आंसर आएगा, राइट। माइनस वाई ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि x की 2 पावर यहाँ पे 1 पावर यानी x की 3 पावर प्लस x यहाँ पे x
वाई, यानी एक्स टू टाइम हो गया, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, राइट। यहाँ पे माइनस है यानी माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे वाई है यहाँ पे भी वाई है, यानी कि वाई टू टाइम हो गया, ऐसे ही एक्स है वो ऐसे ही रहेगा। ओके, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्स की टू पावर है, यहाँ पे वन पावर है, सॉरी वाई की यहाँ पे टू पावर है, यहाँ पे वन पावर है, यानी कि वाई थ्री टाइम हो गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो सिमिलर वेरिएबल है वो दोनों का प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी प्लस माइनस की साइन बची होगी, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे एक्स की थ्री पावर है, तो यहाँ पे कोई भी एक भी एक्स की थ्री पावर नहीं है, राइट। तो ये ऐसे ही रह जाएगा एक्स की टू पावर एंड वाई, ऐसा कोई सेम वेरिएबल है तो यस यहाँ पे है। तो आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, क्योंकि कुछ ना लिखा हो उनका मीनिंग है वन है। तो वन प्लस में है, यहाँ पे वन माइनस में है, तो ये जीरो हो गया, राइट। ऐसे ही ये भी जीरो हो गया, तो आंसर में बचा एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हम लोग यहां से ही स्टार्ट करेंगे, यहां से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब बचा माइनस फोर, अब हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पे भी। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस हो जाएगा, राइट। माइनस थ्री एक्स वाई प्लस थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स एक्स, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, अब इसका टर्म प्लस टू एक्स वाई प्लस माइनस माइनस टू वाई स्क्वेयर प्लस 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 टू टू जा फोर, फोर वाई, अब इसका टर्म माइनस फोर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस फोर एक्स, माइनस माइनस प्लस फोर वाई, माइनस प्लस माइनस फोर टू जा एट, यानी एट। ओके, अब वापस हम लोग क्या करेंगे, प्लस एंड माइनस करने के लिए सेम वेरिएबल को देखेंगे, एक्स स्क्वेयर है देख लो, नहीं है तो थ्री एक्स स्क्वेयर ऐसे ही रह जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ पे है माइनस थ्री एक्स वाई, यहाँ पे है प्लस टू एक्स वाई, तो माइनस थ्री यानी इनका मीनिंग ये बच, ये हो रहा है माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई, राइट। तो यानी आंसर आएगा माइनस वन एक्स वाई, राइट। तो इनको हम लोग सिर्फ एक्स वाई लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स वाई। ओके, समझ गए। ऐसे ही दूसरे वेरिएबल को देख लेते हैं, यहाँ पे है सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स, सिक्स माइनस फोर यानी हो जाएगा प्लस टू एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट वेरिएबल को माइनस टू वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर दूसरा है नहीं है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे टू वाई स्क्वेयर, ये हो गया। अब आगे फोर वाई, यहाँ पे भी फोर वाई प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी प्लस एट वाई हो जाएगा एंड माइनस एट ऐसे ही रह जाएगा, राइट। ये वैसे तो आंसर है, ये आंसर ही आ गया, लेकिन इसको हमें जो एल्जेब्रिक के अंदर हमें टर्म्स में लिखना होता है, मतलब कि जो जितना टाइम ज्यादा है वो पहले लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे टू टाइम है, यहाँ पे भी टू टाइम है, तो इसको हम लोग आगे लिख लेंगे।
ओके बेटा, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वो भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको ही मैं ले रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ क्योंकि जल्दी हो जाए इसकी तरफ, नहीं तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे तो इसकी तरफ 3 स्टेप हमें लिखना पड़ेंगे। यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3 स्टेप लिखे, ओके 1, 2 एंड 3, ओके तो हम लोग यहाँ पे इसको ही फॉलो करेंगे। -3 ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी 9x 4 टाइम, माइनस प्लस माइनस माइनस x³ प्लस 15x² ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ओके अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी -9 3 27 x² ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस 3x ये दोनों का मल्टीप्लाई 15 3 जो होता है 45 यानी -45। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सेम वेरिएबल है तो यहाँ पे आप लोग देखो ये दोनों सेम वेरिएबल है, दूसरा एक भी नहीं है तो दूसरा ऐसे ही रिपीट कर डालेंगे हम लोग क्योंकि दूसरे का हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं। ये दोनों यहाँ पे आप लोग देखो 15 है वो प्लस में है, -27 एक्सक्वेयर करना है हमें, ये दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा 12x², ओके तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -12x² प्लस 3x -45। ओके बेटा समझ गए, तो बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों का आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 6B के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 12, 15, 21, 25 एंड 26, ओके बेटा अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच बेटा।